मेरे मखण ते कपल सके इधर थकण ते। ये हाल है दुनिया, तरह ग्रूमिंग क्या बदल गई, कोई पहचानने को तैयार ही नहीं। देखो सर कैसे हो मोहित? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे सर? मैं ठीक हूँ, सब सेट है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सर। एक कप कॉफी पिलाओगे? जी अभी लाया बॉस। आप मोहित? जी सर। थैंक यू। वो मैंने थैंक यू इसलिए कहा क्योंकि क्या कमाल कॉफी बनानी सिखाई यार तुमने, मतलब इट्स द बेस्ट कॉफी इन द वर्ल्ड। इतना फायदा हुआ ना मेरा, तुम इतने टैलेंटेड हो यार, तुम्हारा तो खुद का कोई कैफे होना चाहिए। थैंक यू रोमा सर, कभी किसी पियन को इतनी इज्जत से किसी ने नहीं नवाजा। अरे रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं, प्लीज 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 रोना नहीं। मोहित ये तुम्हारे लिए। सर ये तो बहुत सारे हैं। अरे अरे कुछ नहीं है, ये लो। और सॉरी अगर कभी तुम्हारे से बुरे से बात की हो। इसे क्या बात करें सर? और हाँ मोहित ये कपड़े प्लीज ड्राई क्लीन करवा के जी, मुझे जी। दे देना। थैंक यू थैंक यू। अरे मुंह तो बंद कर लो अंकल, मक्खी चली जाएगी। ये ले तेरे लिए, आ जा इधर ही बैठ। भाई आपने वेबसाइट देखनी है और उसको समझ लेना है, सारा नया कलेक्शन अपलोड हो चुका है, नई लॉन्च का भी सारी इस पे इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है। और मजे की बात यह है कि टपा टप ऑर्डर्स आ रहे हैं, शशके इज ऑल ओवर द प्लेस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें हायरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अब ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो फिर काम बढ़ेगा, तो ऐसा ना हो ना कि क्लाइंट्स डिसअपॉइंट हो। तो क्यों डिसअपॉइंट करना है, इंपॉर्टेंट बात है, हायरिंग कर ले। और जब हायरिंग हो जाएगी तो एक पर्सनल वर्कशॉप उनके साथ मैं भी कर लूंगा। हाँ ठीक है, गुड आइडिया गुड थॉट। हाँ एक सवाल पूछना चाह रहा था। हाँ पूछ। आर यू श्योर? या मैन आस्क। तबीयत ठीक है? हाँ क्यों? हाँ वो रंगत थोड़ी ऑफ लग रही होगी, दाढ़ी वोड़ी भी। पता है मैं दो तीन दिन से सोच रहा हूँ किसी तरह थोड़ा टाइम मिले तो मैं सैलून जाऊँ, थोड़ा हाइड्रा फेशियल, थोड़ा दाढ़ी, थोड़ा ट्रिम, थोड़ा। नहीं ये वाली तबीयत की बात नहीं कर, ये वाली तबीयत का पूछ रहा हूँ। ठीक है सब खैरियत है? मतलब नहीं मतलब ये कि अचानक से देख रहा हूँ कि इतने दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे, फिर वो आदिम की जगह, फिर अब ये जनाने काम सारे, मतलब खैरियत है हैं डिजाइनर? तू कब से ऐसी बातें करने लगे? मतलब सब्जी खरीदना खाना बनाना सिर्फ औरतों का काम होता है? दुनिया के सबसे मशहूर शेफ मर्द, ये भी माना जाता है कि सबसे ज्यादा जायका मर्द के हाथ में होता है। ओह यस 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 ऑफ कोर्स यस यस। अबे क्या यस यस, कल को तूने भी अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए खुद खाना बनाना है वरना यहाँ से ना फायर कर दूंगा मैं। ओके बॉस ओके बॉस। और हाँ पता है मुझे यहाँ लुक्स थोड़ी ऑफ है, गेटअप भी ऑफ है, पर कुछ राज है खुलेंगे जरा धीरे धीरे। अच्छा सुन याद आया, एक जरूरी काम है, इन कैबिन्स के साथ साथ एक ये कैबिन और बना। कैबिन? नया कैबिन क्यों? फॉर समवन स्पेशल। हमेशा यही होता है, जिसके पास पावर होती है वो टैलेंटेड इंसान को दबा देता है, उसको उसकी जगह नहीं देता। आई वॉन्ट ब्रेक दिस, मैं बदलना चाहता हूँ इसे, आई वॉन्ट चेंज इट। और इस नई जर्नी में ना हर मुश्किल की, वो क्या शीदा क्या कहता है, हाँ लत्ता पन देंगे। ओह वाओ वेरी थॉटफुल, सही अच्छी सोच है। अच्छा एक वो मिक्स वेजिटेबल सूप कितनी देर में बन जाएगा? मतलब अपने ऑफिस में भी आगे तेरे लिए मिक्स वेजिटेबल सूप बनाऊं मैं? तो एक काम कर, ऑर्डर करना यार, फॉर अ चेंज मैं भी किसी और के हाथ का खाना खाऊंगा। शीदा जी पार्क में जाने का मतलब होता है एक्सरसाइज, जंपिंग, खुशबू लगा के बॉडी फिट रहती है। ओ यार मेरी तो जेड़ी खुशबू है ना महकने के बजाय बैठ गई है, ओए होए सांस चढ़ गया। ओ शीदा जी क्या करते हैं, ग्राउंड में जाने का मकसद ये होता है जॉगिंग रनिंग,
आपने दो ग्राउंड को छलांग मार के चार कर दिया, इसमें भी धांधली। वेरी गुड। ओ आशिक चौधरी, वो जड़ी छलांग ना वो बड़ी होनी चाहिए। कदों तक टुक 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 खेलते रहेंगे, समझता नहीं है गल तुम। टुक टुक छोड़े, अब ये बताएं कि हमारा प्लान तो कामयाब हो गया, आगे का क्या प्लान है आगे? ओ भाई जिहड़ा तैयार होया सी 60% मेरा ते 40% तुहाडा। ना 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 ना, हिस्सा होगा बराबर 50-50। अब तो वैसे भी मैं कस्टमर से डायरेक्ट हो गया हूँ। आशिक चौधरी, आजकल जड़ा वक्त चल रहा है ना, ऐ तो सारे नु पता है, जड़ा मिल रहा है ना गरीबत समझो, वरना मन पता है तेरा स्टूडियो कौए बोल रहे हैं, स्टूडियो है चाहो कोई कम शम नहीं आएगा। चलो बेशक कौए बोल रहे हो स्टूडियो में, बेशक मेरे गोडे गिट्टे रह गए हूँ, लेकिन दिमाग से पागल नहीं हूँ, अभी भी निराली जी मेरे कब्जे में है। आशिक, मेरा नाम शीदा, ते जेड़ी मथा आउट होया ना मेरा, ते फिर तू तक लई, फिर मैं मौत जिंदगी ते फैसला नहीं कर सकता, जेड़ा कुछ मिलता है चुप करके खड़ी जाओ बस, ऐ समझ ले गल। शीदा जी, चिड़िया मेरे कब्जे में, एक दो दफा हाथ फेरने पर ना फैला देना तो मेरा नाम बदल देना। वैसे आशिक, रब भी तेरे ते सही मेहरबान है, वो कहता है लुटी जाओ भाई लुटी जाओ। चल गल सुन, तू निकल, मैं भी चला पार्क, पता नहीं निराली ने अपने जसूस ना छड़े होए ना इधर उधर। ठीक है, ऐ की करदा पिया? हो जूगा भाई हो जूगा, हो जूगा भाई हो जूगा, हो जूगा भाई हो जूगा, हो जूगा भाई हो जूगा। पता नहीं किस किस से कॉस्मेटिक सर्जरिया कराती है ये निराली दीदी, कभी स्किन टाइट करवा लेती है तो कभी भवे खिंचवा लेती है। आज मैंने बोला बाजी मैं भी साथ चलती हूँ तो मना कर दिया कि नहीं, एक दिन में एक ही स्किन टाइट होगी। अच्छा? हाँ, भला ये कोई बात हुई? बढ़ने की भी ना कोई लिमिट होती है बंटी, मुझे तो लगता है ये निराली दीदी ना जलती है, जालस होती है कि मैं कहीं उनसे ज्यादा ब्यूटीफुल ना हो जाऊं। मक्कू जी, सुबह से आप मुझसे 3-4 क्रीमें बनवा चुकी हैं, या ब्यूटी क्रीमें बनवा रही हैं या दांत खारिश की दवाएं? ओ बंटी, बकवास नॉट।